स्टूल आना, देन ये डायरिया कहलाता है। एंड एस्केटिक्स क्या होता है? एस्केटिक्स होता है जो भी हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाना। देन देखेंगे हम 14th, जिसमें आता है फिस्टुला। फिस्टुला फ्रेंड्स, फिस्टुला एक आपने पहले भी सुना होगा, कंप्लीट हो गई है, तो हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कि पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था। एंड आज हम रिवीजन करेंगे शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे, तो थोड़ा आप भी ट्राई करिएगा हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं। पेप्टिक अल्सर आपने अगर पढ़ा होगा या फिर नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं। फ्रेंड्स, पेप्टिक अल्सर होते हैं हमारे ब्रेकडाउन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन हो जाना। अब उसमें आप ड्यूडेनम, इसोफेगस, स्टमक सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। तो इनकी जो म्यूकस लेयर होती है उनकी कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन आ जाना, उसका हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। देन देखेंगे सेकेंड नंबर पर गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ITS लिखा है, यानी कि इन्फ्लामेशन तो ज़रूर प्रेजेंट होगी। तो ये क्या है हमारा? इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोजा। देन देखेंगे थर्ड हमारा एब्डोमिनल हर्निया। एब्डोमिनल हर्निया क्या होता है? किसी भी होलो ऑर्गन का या फिर कैविटी वाले ऑर्गन का कुछ भी एक एरिया या फिर कुछ भी ऐसा प्रोट्रूजन हो जाना, एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन होना, ब्लोन हो जाना, जैसे कि बलून ब्लोन होता है इस तरीके से कैविटी वाले एरिया में ये ज़्यादा होता है। तो इसलिए एब्डोमिनल कैविटी में जो भी किसी भी ऑर्गन में अगर ऐसा होता है तो उसे हम एब्डोमिनल हर्निया कहते हैं। नंबर फोर्थ में देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ पे कोलाइटिस यानी कि कोलोन का नाम लिया गया है, कोलोन इसका मतलब बनता है, तो यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब बनता है इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन्स जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। देन देखेंगे फिफ्थ हमारा अपेंडेक्टाइटिस। अपेंडेक्टाइटिस होता है हमारा जो भी अपेंडिस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे हम बोलते हैं अपेंडेक्टाइटिस। सिक्स्थ है हमारा सीरियोसिस ऑफ लीवर। सीरियोसिस ऑफ लीवर में फ्रेंड्स लीवर की डिजीज़ है, तो इसमें क्या होता है रिप्लेसमेंट और डिस्ट्रक्टिव रिप्लेसमेंट और डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं किसमें, लीवर सेल्स में जो भी हिपैटो सेल्स होते हैं उनमें ये ऐसा फॉर्म हो जाता है, जिसे हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। देन आता हमारा सेवन्थ टॉपिक कॉलिसिस्टाइसिस, यानी कि यहाँ पे गॉल स्टोन लिखा हुआ है, जो भी गॉल ब्लैडर है वहाँ पे स्टोन की वजह से स्टोन हो जाना या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना। एट्थ है हमारा हेमरॉइड पाइल्स, जिसे हम बोलते हैं आप अच्छे से जानते होंगे पाइल्स क्या होता है। फ्रेंड्स पाइल्स में क्या होता है कि जो भी एनस में या फिर एनस एरिया में ही जो भी ब्लड फील्ड कुशंस होते हैं तो उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि जैसे कि लाइक अल्सर टाइप कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है जिसमें जिसके अंदर ब्लड फील्ड होता है एंड या फिर जो भी वहाँ की वेन्स होती हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाना वो कहलाता है पाइल्स। देन देखिए हमारा अपना नाइन्थ टॉपिक, नाइन्थ एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेस्टाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जो भी उसका कंटेंट है इधर से उधर ना मूव कर पाना, उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। देन देखेंगे हम टेंथ हमारा पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस होता है फ्रेंड्स जो भी हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमिनल लेयर को कवर करते, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करते हुए एंड जो भी हमारी एब्डोमिन की ऊपर वाली लेयर होती है उसके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं एंड उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनियल जो भी लेयर में या फिर कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनाइटिस कहलाता है। एंड 11th हमारा डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन फ्रेंड्स बॉडी या फिर बॉडी के टिश्यूज़ में वाटर का लॉस हो जाना, सीवियर लॉस हो जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन। एंड डायरिया होता है कि लूज स्टूल या फिर बार बार स्टूल आना, देन ये डायरिया कहलाता है। एंड एस्केटिक्स क्या होता है? एस्केटिक्स होता है जो भी हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाना। देन देखेंगे हम 14th, जिसमें आता है फिस्टुला। फिस्टुला फ्रेंड्स, फिस्टुला एक आपने पहले भी सुना होगा, फिस्टुला एक मतलब कि दो जो कैविटी होते हैं उनका उनमें क्या होता है कनेक्शन बन जाना, दो कैविटल एरिया में कनेक्शन बन जाना, वो नॉर्मल भी हो सकता है
और मतलब नॉर्मली सर्जिकल भी करते हैं फिस्टुला डायलिसिस वगैरह के लिए, वो वेंस में करते हैं हैंड्स की, लेकिन अब नॉर्मली डाइजेस्टिव ट्रैक में या फिर एनस की जगह पे हो जाना वो एबनॉर्मल फिस्टुला कहलाता है, या फिर जो भी डिसऑर्डर वाला फिस्टुला होता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस फ्रेंड्स येलोइस डिसकलरेशन हो जाता है हमारी जो भी स्किन का, लीवर डिसऑर्डर है ये। एंड 16th में हम देखेंगे पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाटिस यानी कि हमारे जो पेनक्रियास है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। एंड 17 है हमारा एनल फिजर्स, एनल फिजर्स यानी कि जो भी हमारा एनल एरिया है उसमें लेसिरेशन हो जाना यानी कि कट लग जाना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो कि जो भी एनस का नीचे वाला एरिया होता है उसमें कट लग जाना, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो जाता है या किसी और वजह से भी हो सकता है, यानी कि कोई भी कट फॉर्मेशन हो जाना, इसे हम बोलेंगे एनल फिजर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स आपको पूरी की पूरी यूनिट समझ में आई या नहीं, या आपका कोई भी टॉपिक ऐसा छूट गया हो आपको समझ में ना आया, आपको उसके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड हमारे इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, आपको मतलब कि ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे इतने शॉर्ट नोट, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना शॉर्ट में बहुत कम मिल पाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझना या फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश करती हूँ जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो आप ना फेस करें, आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें कंटेंट दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।